हेलो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी आ रही है इंडियन ऑयल की ओर से। यहाँ पर डिप्लोमा और आईटीए वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि इसमें कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं, और इसका अप्लाई प्रोसेस भी दिखाने वाले हैं, इसका रिटर्न एग्जाम कहाँ पर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए इसी तरह के जॉब अपडेट और हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कहां से अप्लाई करना है, इसका नोटिफिकेशन कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से आप यहां पर डायरेक्ट आ सकते हैं। वेबसाइट में आ जाना है, उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कैरियर वाला ऑप्शन, यहां पर इसे क्लिक कर देना है। कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहां पर इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं रिलेटेड लिंक्स यहां पर दी गई हैं, तो हमें सिंपली अप्रेंटिसशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसशिप अंडर 1961 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नॉर्थन रीजन। तो यहाँ नॉर्थन रीजन की ओर से यह वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड यहाँ पर शो कर रहा है। इसके नीचे यहाँ पर हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिखाया गया है, चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है, या नॉर्थन रीजन इंडियन ऑयल की ओर से जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस स्टेट में आप अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। तो यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर स्टेट की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन, टोटल यूआर में कितनी वैकेंसी है, डब्ल्यूएस में कितनी है, एससी कितनी, एसटी कितनी, ओबीसी कितनी और पीडब्ल्यूडी की कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल। तो टोटल यहाँ पर 61 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं दिल्ली से। और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा लिखा है, हरियाणा में टोटल 36 वैकेंसी हैं। इसी तरह से आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे, सारी वैकेंसी यहाँ पर शो कर रही है। हम आप लोगों को अब नीचे की ओर स्क्रॉल करके दिखाते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है वहाँ पर आईटीआई वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पर डिप्लोमा वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल। तो यहाँ पर कह रहा है 3 ईयर का फुल आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल और सिविल का यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर का रेगुलर टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मतलब 50% मार्क्स आपके ओबीसी जनरल वाले के होना चाहिए, और 45% मार्क्स जो है एससी एसटी कैंडिडेट होना जरूरी है। और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई वालों के लिए सारी ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं। जो आईटीआई वाला एलिजिबल होता है वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तब आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 24 ईयर आपका होना चाहिए 31/12/2021 से। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मंथ की यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है आप लोगों की, और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर 15 मंथ की ट्रेनिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन शैल बी द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस मार्क ऑब्टेन देन द रिटन एग्जाम ड्यूरिंग 90 मिनट्स। रिटन टेस्ट आपका 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आने वाले हैं, यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टिपेंड यहाँ पर कितना मिलने वाला, मतलब आपकी सैलरी क्या रहने वाली, तो रेट ऑफ द स्टिपेंड पेबल गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर 9 से 10,000 आपका सैलरी रहने वाला है। कैंडिडेट विदाउट एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ विल नॉट बी अलाउड, मतलब आपके पास यदि एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ किसी प्रकार का नहीं है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और सारी चीज़ों को आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, हम मेन टॉपिक आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे इसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वहाँ पर 17/1 से स्टार्ट हो चुकी है और 31/1 तक लास्ट रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो आपका रिटन टेस्ट कहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट द चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली। तो इन स्थानों पर आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। हम आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जहाँ से हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था उसके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके सामने ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आप इतने चीज़ों को आप तैयार करके रख लीजिए। यह चीज़ें यहाँ लगने वाली मतलब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कन्फर्म ईमेल और यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर करके सबमिट कर देना होगा। बाकी प्रोसेस आपको आगे बढ़ने पर पता चलता रहेगा क्या क्या आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और एडमिट कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका कॉल लेटर आएगा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको यह फॉर्म कैसे अप्लाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आप सभी को एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।